हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट टिप्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपना बैट स्विंग, बैट स्पीड, शॉट सिलेक्शन, डिसीजन मेकिंग और रिएक्शन टाइम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये सब पांच चीज़ों को करने के लिए सिर्फ आपको एक ड्रिल करना है, और ये ड्रिल बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सिर्फ आपको अपना बैट लगेगा और एक फ़ोन लगेगा जिसमें आप अपना रिकॉर्ड कर सको वॉइस को। तो इस ड्रिल को करने के लिए सबसे पहले आपको एक पेज लगेगा, उस पेज में आपको 1 से लेकर 3 तक तीनों नंबर को लिख लेना है। जैसे 1, 2, 3 लिख लिया, और इन तीनों के नीचे, मतलब 1 नंबर के नीचे, 2 नंबर के नीचे और 3 नंबर के नीचे आपको अलग अलग शॉट्स लिख लेना है। फॉर एग्जांपल, आज जैसे day 1 है, तो मैं 1 नंबर के नीचे लिखता हूँ डिफेंस। वैसे आपको बोलना चाहता हूँ, मैं डिफेंस पर एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं उस वीडियो को आई बटन पर दे दूँगा, आप ज़रूर जाके देखना, बहुत अच्छी वीडियो थी। सो वापस आते इस वीडियो पर, जैसे 1 नंबर पर डिफेंस किया, 2 नंबर पर कवर ड्राइव किया, 3 नंबर पर स्ट्रेट ड्राइव किया। तो अब मेरे को ये करना है कि मेरे को अब वॉइस रिकॉर्डर में ये तीनों नंबर को, मतलब अलग अलग टाइम पे बोलना है। जैसे सबसे पहले मैं स्टार्ट किया डिफेंस के साथ 1। अब आपको ऐसे बोलते ही जाना है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जब नंबर्स बोल रहे हो तो उसके बीच में आप एटलीस्ट 10 सेकेंड्स का गैप रख रहे हो। जैसे आपने 1 बोला, तो उसके बाद आप जब खेल लोगे उस शॉट को, डिफेंस को जैसे खेल लिया आपने, तो उसके बाद आपको अपने नॉर्मल स्टांस और पोजीशन में जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसके लिए 10 सेकेंड्स का गैप रखना होगा आपको, तो प्लीज़ रख लीजिएगा। और दो, ये जो जैसे बोला कि आपको ये करते रहना है, और आपका जब day 1 ख़त्म हो जाए, आपको एटलीस्ट एक नोटिस है, आपको सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट रखना है कि आपको ये एटलीस्ट 5 मिनट करना होगा, आपको 5 मिनट का रिकॉर्डिंग रखना होगा। और आपको ये जब आप अपना day 1 ख़त्म कर लो, तो day 2 के लिए आप रात को अलग अलग शॉट्स का कर सकते हो। जैसे कि मैं बोला कि आपको पेज में लिखना है पहले दिन पर 3 शॉट्स का, 1 से लेकर 3 तक। अब आपको दूसरे दिन के लिए पहले से ही प्लान कर लोगे तो बढ़िया है। आपको करना होगा 1, 2, 3, 4, और तीनों के नीचे आपको अलग अलग शॉट्स का नाम लिखना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे day 1 पर मैंने पहला नंबर पर रखा था डिफेंस को, दूसरा नंबर, अब दूसरे दिन के लिए आपको पहला नंबर पर डिफेंस नहीं रखना है, आप कुछ और शॉट्स रख सकते हो। आप जैसे day 2 के लिए पहले नंबर पर कवर ड्राइव रख सकते हो। वैसे आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं कवर ड्राइव पर भी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो आई बटन पर दिख रहा होगा, तो आप ज़रूर जाके देखिए, अच्छी वीडियो थी। अब day 2 के लिए आपको दूसरा शॉट आप कुछ भी कर सकते हो, स्ट्रेट ड्राइव कर सकते हो, बहुत सारे शॉट्स है, प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑन ड्राइव कर सकते हो, कवर ड्राइव का वैसे बोल चुका हूँ, आप अपने अपने से कर सकते हो। लेकिन आपको day 1 के लिए हमेशा number 1 पर डिफेंस रखना ही होगा। वैसे आपको इस टॉपिक को छोड़कर एक बताना चाहूँगा कि मेरा भाई का भी एक चैनल है, उसका नाम है IG Gamers, वो वीडियो बनाता है फ्री फायर पर, तो ज़रूर जाके देखिएगा। उसका चैनल का इधर आई बटन पर आपको दिख रहा होगा, तो ज़रूर क्लिक कीजिए, और अच्छे वीडियोस बनाता है बंदा, तो सब्सक्राइब भी कर देना इसका चैनल। सो इधर अब आते हैं फिर से। मैंने पिछले वीडियो में एक्चुअली आपको जैसे पता ही होगा कि क्रिकेट अगर आप खेलना चाहते हो तो उसके लिए फ़िटनेस भी बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो उस पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। तो अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाके देखना, मैं उसका लिंक इधर दे देता हूँ। जैसे कि मैंने स्टैमिना पर पिछला वीडियो बनाया था, आप स्टैमिना का वीडियो देख सकते हो। उसके पहले मैं बनाया था कि बैट्समैन, बॉलर और फील्डर्स के लिए कैसे एक्सरसाइज करने चाहिए, वो भी आप ज़रूर जाके देख सकते हो, मैं उसका लिंक इधर आई बटन पर दे देता हूँ। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट।